क्यों हुआ ऐसा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सियासत में वक्त के साथ तस्वीरें बनती और बिगड़ती रहती हैं। राजनीति में किसकी राहें कब जुदा हो जाएं और किसके रास्ते एक हो जाएं, इस बारे में कह पाना आसान नहीं होता। एक वक्त था जब बीएसपी प्रमुख मायावती मंच से सपा और मुलायम सिंह पर वार करती थी। सपा और बसपा की सियासी दुश्मनी की चर्चा पूरे देश में होती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज सपा और बसपा साथी हैं, दोनों एक दूसरे के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते दिखते हैं। पांचवें चरण के लिए आज वोटिंग थी। लखनऊ में पोलिंग बूथ पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती पहुंची, ईवीएम वाले कमरे में दाखिल हुई, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए मायावती के पैर ठिठक गए। मायावती हैरत में पड़ गईं। आखिर क्या हुआ था, क्या था ऐसा जिसे देखकर मायावती को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। असल में मायावती ने ईवीएम की तरफ देखा, गौर से देखा। पहली बार ऐसा मौका था जब ईवीएम में उनकी पार्टी का निशान, बीएसपी का सिंबल हाथी था ही नहीं। पंजा भी दिखा, फूल भी दिखा, साइकिल भी दिखी, लेकिन हाथी गायब था। फिर मायावती को याद आया कि यूपी में वो गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं और लखनऊ की सीट सपा के खाते में है, तो गठबंधन के टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक ईवीएम पर भी सपा का ही सिंबल रहेगा। सपा ने यहाँ से पूनम सिन्हा को टिकट दिया है। अब पॉलिटिकल पंडित और सियासत के सबसे धुरंधर जानकार अंदाजे लगा रहे थे कि आखिर माया ने वोट किसको दिया। बीजेपी को नहीं, वो तो सबसे ज्यादा बीजेपी को ही कोसती हैं, तो फिर क्या कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस से तो सबसे ज्यादा बहन जी ही नाराज रहती हैं, तो क्या बहन जी ने सपा को ही वोट दिया होगा। हालांकि वोट किसको देना है और किसको नहीं, ये किसी भी शख्स का निजी अधिकार है, लेकिन माया के वोट को लेकर चर्चाएं बहुत हैं। बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। उनकी भय के कारण राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए मायावती और अखिलेश यादव को एक साथ आना पड़ा। एक मजबूरी में किया हुआ ये गठबंधन, ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, क्योंकि इन लोकसभा चुनावों में भी इस गठबंधन के बावजूद इनके दोनों पार्टियों की बड़ी हार होने वाली है 2019 में, तो इसलिए ये आदत नहीं बनने जा रही है। कल तक मायावती और सपा के रिश्ते बिल्कुल खराब थे, आज अखिलेश और माया मंच पर हैं, एक दूसरे की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। कल क्या होगा ये तो भविष्य की गर्त में है। फिलहाल आज की सबसे बड़ी चर्चा इसी बात पर है कि मायावती ने वोट किसको दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप लगातार देखते रहिए भारत समाचार।